वॉकिंग टूर ऑफ एमजी रोड कोची। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कोची में यह जगह क्यों फेमस है और पूरा वॉकिंग टूर दिखाऊंगा। अगर आप भी केरला विजिट करने मेरी तरह जा रहे हो तो आपको कौन सी जगह घूमनी चाहिए, कहां पे जाना चाहिए। और एमजी रोड कोची इतना पॉश एरिया है कि यहां पे हमेशा चाहे रात के 1 बजे हो 2 बजे हो भीड़ भाड़ बनी रहती है। तो अभी मैं कोची की नाइट लाइफ दिखाने के लिए या फिर ये कहें केरला की नाइट लाइफ दिखाने के लिए या फिर ये भी कह सकते हैं कि एमजी रोड की नाइट लाइफ दिखाने के लिए आ गया हूँ एमजी रोड कोची पर, जो कि एक बहुत ही पॉश एरिया है कोची का। तो चलिए चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ पूरी एमजी रोड कोची की स्ट्रीट वॉकिंग टूर, फेमस प्लेसेज एंड कौन कौन से शॉपिंग मॉल एंड ये सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस है एमजी रोड में। अगर आप आ रहे हो, अगर आप केरला या फिर ये कोची विजिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए, बट मैक्सिमम नॉन वेज है। ये बस स्टॉप है, यहाँ पे ये लड़कियाँ और ये भी जो खड़े हैं सब वेट कर रहे हैं बस का। और यहाँ पे जो बस चलती है इतनी स्पीड से चलती है कि जान मुश्किल में है। बस में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इतनी स्पीड से ये लोग चलाते हैं। तो कभी भी बस को देखना तो साइड हो जाना, जैसे कि वो बस आ गई है तो आपको बस से बच के रहना है हमेशा। यहाँ पर एमजी रोड कोची मतलब महात्मा गांधी रोड कोची। वैसे तो एमजी रोड ऑल ओवर द इंडिया में हर जगह है, लेकिन कोची की एमजी रोड स्पेशल है क्योंकि ये एक हाई क्लास सिटी है। और ये एमजी रोड कोची में सब कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं यूएस पोलो एसोसिएशन का इतना बड़ा शोरूम अवेलेबल है, डॉक्टर अग्रवाल यहाँ पर है एंड बहुत कुछ है। वो सामने मेट्रो स्टेशन है जो आगे दिख रहा है, वो ग्रीन उधर मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थार एक खड़ी हुई है। कल्ड फिट का भी शोरूम हो सकता है, आपने शोरूम नहीं बोल सकते, फिटनेस सेंटर हो सकता है आपने कहीं ना देखा हो, लेकिन यहाँ पर कल्ड फिट का भी फिटनेस सेंटर है। इम्पीरियल आप देख सकते हैं, इम्पीरियल ट्रेड इसे बोलते हैं, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल को ऐसे बना रखा है जैसे लग रहा है कि शेयर मार्केट की दुकान हो। और यहाँ पर कुछ बेचारे लेटे हुए हैं, तो यहाँ पर भी गरीब लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये पुश स्ट्रीट को आगे पार करके मैं चलता हूँ और आपको कॉर्नर में एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। चलिए कॉर्नर की तरफ चलता हूँ डायरेक्ट। अब मैं आ गया हूँ कॉर्नर पे। अब ये स्ट्रीट फूड वाला बहुत फेमस है। आगे आपको जो एमजी रोड में आगे आओगे और मेट्रो स्टेशन जो मिलेगा उसके महाराजा कॉलेज मेट्रो स्टेशन, उसके बाद एक और मेट्रो स्टेशन एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है क्योंकि कॉर्नर में है। यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, अगर रात में आप 2 बजे तक आओगे ना तो ये ओपन रहता है और यहाँ पर ऐसे ही भीड़, लड़के लड़कियाँ सबको ही खड़े रहते हैं। वो अभी नया बन गया है, वहाँ पर बिरयानी हाउस एंड बहुत ही मस्त मिलती है, आप एक बार जरूर ट्राई करना यहाँ की बिरयानी। और बहुत ही मस्त है अंदर का इंटीरियर, तो बहुत ही अच्छा है। एक बार अगर आपको टाइम लगे तो एक बार जरूर अंदर जाना, ठीक है। तो ये मैं कॉर्नर में एमजी रोड के कॉर्नर में आ गया हूँ पूरा, और ऐसा है लग रहा है कि कोई यहाँ पे फिल्म सिटी है, ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं आप डेकोरेशन कितना ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो ये है एमजी रोड कोची का वॉकिंग टूर। अभी मैं एक बार और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कॉर्नर के बाद, जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, रिटर्न करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी बताता हूँ आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये स्ट्रीट फूड वाला है, आप देख सकते हैं, आप भूलना मत, कॉर्नर में है बिल्कुल यहाँ पर एमजी रोड कोची के। अगर कोची में आप और ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोची की नाइट लाइफ को ज़रूर विजिट करना। और ये भी बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 12-1-2 बजे तक आओगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसजेंडर घूमते रहते हैं, तो आप थोड़ा बच बचा के, क्योंकि रात में उनके चक्कर में आप बिल्कुल ही मत पड़ना, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है, वो चेन्नई सिल्क है, बहुत ही फेमस ये उत्सव है यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड। और यहाँ पे क्या है, बाटा का शोरूम भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे लोकल के साथ साथ सारे इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल हैं, आप जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। तो अब आगे चल के मैं दिखाता हूँ यहाँ पे
लेफ्ट साइड से जब आप जाओगे तो सारे मेट्रो स्टेशन इधर ही मिलेंगे आपको, और वो देख सकते हैं स्ट्रीट मेनू। जितने यहाँ पे स्ट्रीट फूड है ना, सब में नॉन वेज मिलता है, ज़बरदस्त नॉन वेज, और रात में भीड़ लगी रहती है, और ये लगभग 1 से 2 बजे तक ओपन रहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और MG रोड का माहौल पूरे रात ऐसा ही बना रहता है कोची की, अगर आपको रियल नाइट लाइफ देखना है। अभी मैं और आगे चलता हूँ और आगे चल के आपको कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। अब अगर आप कोची घूमने आ रहे हो तो आप लोग सोच रहे हो कि आपको होटल या रूम कहाँ बुक करना चाहिए, तो ये भी बता देता हूँ कोची ट्रिप के, फिर कोची टूर के बारे में, कि आपको जो होटल है MG रोड में ही एक मेट्रो पॉड मिल जाएगा, जो कि एक ज़बरदस्त एंड फेमस होटल है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, क्योंकि MG रोड एक पॉश एरिया, अगर आप MG रोड पे स्टे करोगे तो आप यहाँ की सारी फेमस स्ट्रीट फेमस चीज़ों को विजिट कर सकते हो। अगर वैसे तो विजिटिंग प्लेसेस फोर्ट कोची भी है, लेकिन उस साइड अगर आप स्टे करोगे तो आपको थोड़ा नाइट लाइफ कोची के एक्सप्लोर करना ये सब मुश्किल पड़ेगा, तो बेटर है आप मेरी तरह जब भी आना तो आपको स्टे कहाँ पर करना है, MG रोड में, और मेट्रोपॉड जो है, मेट्रोपॉड आप सर्च भी कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त होटल है आपके स्टे करने के लिए, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर स्थित है। तो ये हो गई स्टे करने की जानकारी। अब खाने पीने की जानकारी, यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पानीपुरी भी अवेलेबल है, तो MG रोड पर ही प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर मेरी ट्रिप ख़त्म होने से पहले मैं वहाँ पे गया तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है, अगर आप आओगे तो यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा एंड सब कुछ मिल जाएगा, और ये भी एक फेमस स्ट्रीट है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपको कवर करके दिखाऊँ अगर मैं यहाँ पर रहा तो। अदरवाइज मेरा प्लान है कोलकाता एंड तिरुवनंतपुरम जाने का, उसके बाद फिर बैक टू गोवा। तो यही है, स्पेंसर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर शोरूम है, और यहाँ पर जितने भी फेमस एंड इंटरनेशनल ब्रांड है ना, आपको सभी मिलेंगे, और सभी के यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम मिलेंगे, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे मिलेंगे, बड़े बड़े शोरूम आपको सभी के यहाँ पर मिलने वाले। ये देख सकते हो, ये लग रहा है कि केरला का डॉन है मुझे कोई, ये देखो, देखना अभी जाके, हाथ में सिगरेट, कान में मोबाइल, ये देखो, ये टसन देखो, हाथ में सिगरेट एंड कान में मोबाइल लगा हुआ है, और मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।